ब्लैक फंगस को लेकर के और एक जानकारी चाहता हूं सर कि क्या ये उन लोगों को भी हो सकता है जिनको कभी कोविड नहीं हुआ, इस पे जरा सा, क्योंकि वो लोग भी चिंतित हैं जिनको कोविड नहीं हुआ। जो आपने एलिजिट कहा कि कोई बयान आया है उसके ऊपर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, उनका व्यू हो सकता है। ब्लैक फंगस बिल्कुल ऐसी बीमारी है जो कि पहले भी होती रही है, जब कोविड था ही नहीं तब भी होती रही है। और उसमें जो मैं कहूँगा मेडिकल स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया जाता है कि ये बीमारी डायबिटीज़ में होती है, और जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होता है तब खासकर होता है, और जब डायबिटीज़ उसी व्यक्ति में इन सब के साथ साथ कोई सिग्निफिकेंट और बीमारी आती है, वो जो कॉम्बिनेशन है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और खासकर जिसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं कि बिल्कुल एक्यूट शुगर बढ़ जाती है 700-800, चाहे वो बच्चों में डायबिटीज़ है या बड़ों में, और साथ में बीमारी और निमोनिया हो गया, कुछ और हो गया, और उस दशा में ये बीमारी पहले से नोन है, अगर हम इसको इसको अनकॉमन बीमारी मानते हैं, आउटब्रेक की तरह नहीं देखी जाती, अब उसके साथ में कोविड आएगा, कोविड के अपने ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो सारे मल्टी सिस्टम डिजीज़ है ये, वो आता है, फिर उसके बाद स्टीरॉयड आते हैं, वो और दबाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बना। बट जो शॉर्ट आंसर इज, और पता होना चाहिए कि ये बीमारी कोविड ने नहीं शुरू करी, कोविड की वजह से और या उसके ट्रीटमेंट के साथ आने की वजह से डायबिटिक पेशेंट्स में लार्जली बाय एंड लार्ज ये बीमारी विदित हो रही है। इससे पहले भी डायबिटीज़ में ये बीमारी और ये कॉम्प्लिकेशन वेल नोन है।